जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है, हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे। कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर हमको हमको कहे कि आप विलय कर दें तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर? हम तो आखिरी कोशिश करेंगे, और महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं, हम तो उनके पाले में खेल कर लिए, मेरी इनिंग भी एक इनिंग समाप्त हुई नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं विपक्षी पार्टियां जो है उनका साथ छोड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अभी महागठबंधन में जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन सिंचाई मंत्री थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी कारणवश आज पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे इस पार्टी को विलय करने की दबाव बनाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि हम पार्टी को जो है जदयू में विलय कर दीजिए, जो कि मैंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था। तो आइए सुनिए संतोष कुमार सुमन ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। इस्तीफा मांगा गया, देखिए इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर? तो मांगने का और दबाव का नहीं है, हम तो आखिरी कोशिश करेंगे, और महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं, हम तो उनके पाले में खेल कर लिए, मेरी इनिंग थी एक इनिंग समाप्त हुई नहीं। कहाँ साहस थे एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे चार विधायक है ना, एक एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता सब आखिरी जनता ही सबकी होती है, बाद में तय किया जाएगा। नेता इससे पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त हुआ था, आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने, आपको लगा कि नहीं? देखिए देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है, हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे। अरे इंडिया में जाने की तैयारी है? अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं, अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे, हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई है इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर, इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से बात हुई, नीतीश से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है, उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं, और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है, कही एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए, तो लंबे समय से आपको ऊपर दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा, हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग होकर के भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रखना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे महागठबंधन में रहेंगे? देखिए हमको तो ऐसी बात नहीं लगती, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके, अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है, कोई एक दिन का ऐसा बचपाना डिसीजन नहीं, एक दिन गए और रिजाइन करके चला है, तो सोची समझी बात है, और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस ले। वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है सर? वो शेर कौन है? वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? कोई भी होता है, हिरन 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 को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है, शेर का नाम क्या ले, वन टू थ्री कोई भी नाम ले। नीतीश कुमार या लालू यादव? देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए कहा। देखिए आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी पांच सीटों पर मुकम्मल है,
और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी पार्टी ने भी तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें आज। तो आपने सुना कि संतोष कुमार सुमन ने सीधे तौर पर यह कहा कि बाघ और हिरण के जैसा हाल हो गया था। हम तो बाघ नहीं हैं, हम हिरण हैं और हमें हमेशा से दबोचा जा रहा था, जिसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।